मूवी की शुरुआत में हम मूवी की मेन लीड निकोल से मिलते हैं। निकोल अपने डैड स्टीव और स्टेप मॉम लॉरा और स्टेप ब्रदर टॉबी के साथ रहती है। उनका एक प्यारा सा डॉग भी है। निकोल कॉलेज जा रही है और उसके छोटे कपड़ों को देख स्टीव उसे नए कपड़े खरीदने को कहता है। लॉरा बताती है कि वो नए कपड़े ही हैं, जिस पर स्टीव कहता है कि वो काफी छोटे हैं। लेकिन निकोल स्टीव के उसके कपड़ों पर किए गए कमेंट से अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड मार्गो के साथ एक बार में आती है, जहाँ मार्गो एक फ्रेंच दाढ़ी वाले आदमी को ताड़ने लगती है। और फिर हम मूवी के सेकंड लीड डेविड से मिलते हैं, जिसे निकोल ताड़ रही है। और डेविड को पता है कि कोई लड़की उसे देख रही है और निकोल उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड भी है। निकोल को अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, लेकिन उसके डैड बताते हैं कि उन्हें मीटिंग के सिलसिले में कहीं जाना है, इसलिए वो आइडिया को पोस्टपोन कर देते हैं और निकोल का मूड ऑफ हो जाता है। इसलिए वो मार्गो के साथ एक पार्टी में चली जाती है, जहां मार्गो उसी फ्रेंच दाढ़ी वाले आदमी के साथ डांस करने लगती है जिसे वो ताड़ रही थी। और निकोल को फिर से डेविड मिलता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन डेविड का फ्रेंच कट फ्रेंड वहां एक लड़के से लड़ने लगता है, जिसकी वजह से भगदड़ मच जाती है। डेविड और निकोल छत के रास्ते वहां से भागकर एक जगह आ जाते हैं। फिर वो दोनों वहां बातें करते हैं। निकोल डेविड की कार के बारे में कहती है, ये तो वही कार है ना जो ब्लास्ट हो जाती है। डेविड कहता है, हाँ इस कार को अच्छे से बनाया नहीं गया है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं। डेविड कहता है कि वो काफी ब्यूटीफुल है और उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतना परफेक्ट भी हो सकता है। वो उसे गालों पर किस करता है, लेकिन निकोल को थोड़ी जल्दी थी इसलिए वो उसे लिप्स पर किस करने लगती है। और फिर डेविड उसके बूब्स को टच करता है, लेकिन निकोल उसे रोक देती है और कहती है, बस यही एक कमी है मुझ में। इस पर डेविड कहता है कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि उसके बूब्स पर हाथ हटाने की वजह से निकोल के लिए उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है। निकोल कहती है उसे 12 बजने से पहले घर पहुंचना है। डेविड उसकी वॉच की सुई को पीछे करके 11:15 पर करके कहता है कि अभी उसके पास काफी टाइम है। निकोल 2 बजे घर पहुंचती है, जिस पर लॉरा उस पर काफी गुस्सा करती है और उससे सोने से पहले फेस पर पुते 2.5 किलो मेकअप को साफ करने को कहती है और उसके लिए एक गलत शब्द का प्रयोग करती है। अगले दिन स्टीव निकोल से कल उसके लेट आने का रीजन पूछता है और लड़के का नाम बताने को कहता है। निकोल कहती है कि वो कल पहली बार उस लड़के से मिली थी। स्टीव उसे डेविड से मिलवाने के लिए कहता है। वो कल के बिहेवियर के लिए निकोल को लॉरा से माफी मांगने के लिए कहता है। निकोल कहती है, बिल्कुल, अगर वो उसे उस घटिया शब्द के लिए सॉरी कहती है तो ही वो उससे माफी मांगेगी। लॉरा स्टीव से निकोल के साथ शांति से पेश आने के लिए गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने उसे काफी छूट दे रखी है और एक दिन तुम पछताओगे। वहाँ डेविड निकोल से कहता है कि वो उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। जब वो उसकी फैमिली से मिलता है तो सब उससे काफी इंप्रेस होते हैं और वो लॉरा की गार्डनिंग में मदद भी करता है। उसके बाद मार्गो स्टीव के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देख के डेविड एक अजीब सी स्माइल देता है और फिर वो निकोल के साथ बाहर जाने लगता है। स्टीव कहता है कि वो निकोल को 12 बजे तक घर वापस ले आए। डेविड वहां रखी घड़ी की सुई को स्टीव की नजरों से बचते हुए 2-3 घंटे पीछे करके वहां से ओके सर कहकर चला जाता है। वो दोनों एक फेयर में जाते हैं और किस करते हैं। डेविड उसे एक पीस स्टिक गिफ्ट करता है। वो निकोल के साथ एक झूले पर बैठता है और अपने हाथों को निकोल की थाइस पर रख देता है, लेकिन निकोल को यहाँ भी थरकपन सवार होता है और वो डेविड के हाथों को धीरे धीरे अंदर ले जाती है और पूरी राइड के दौरान इंजॉय करती है। और डेविड उसे लालची निगाहों से देखता है और वो पूरी रात का मजा लेते हैं। वहाँ स्टीव जब अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करके निकलने वाला होता है तो उसके कलीग से उसे पता चलता है कि वो लेट है, क्योंकि डेविड ने उसकी घड़ी की सुइयों को पीछे कर दिया था, जिसकी वजह से स्टीव को टाइम का पता नहीं चल पाया। फिर वो लॉरा से कहता है कि उसे ऑफिस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और वो लॉरा को भी अपने साथ चलने को कहता है। अगले दिन दोनों चले जाते हैं और फिर रात में निकोल डेविड को कॉल करके घर बुलाती है। डेविड कहता है कि उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। इस पर निकोल उसे अपने घर का सिक्योरिटी लॉक का पासवर्ड बता देती है और कहती है कि इसे यूज करके अंदर आ जाना। डेविड देर रात निकोल के पास पहुंचता है और उनके घर को टटोलना शुरू कर देता है। फिर वो निकोल के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन कॉलेज में निकोल अपने फ्रेंड गैरी के साथ है और वहां डेविड आ जाता है और गैरी को मारने लगता है। और जब निकोल डेविड को रोकने की कोशिश करती है, डेविड उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद से निकोल डेविड से मिलना बात करना बंद कर देती है। वो नहा रही है और शीशे में अपनी आंख की चोट को देख रही है। लॉरा मेकअप करके उस चोट को छुपा देती है और अब निकोल पूरे कपड़े पहनकर कॉलेज जा रही है, जिसे देखकर स्टीव को काफी अच्छा लगता है और पूछता है कि इसे क्या हो गया है।
लॉरा बताती है कि उसकी आंख में चोट लग गई थी। वहां निकोल को अपने लॉकर में डेविड का सॉरी वाला नोट मिलता है और वो उसे घर पर गिफ्ट भी भेजता है, लेकिन निकोल उसे डस्टबिन में डाल देती है। स्टीव को पता चल जाता है कि डेविड की वजह से उसे वो चोट लगी है। वो निकोल को डेविड से मिलने से मना करता है। निकोल कहती है कि वो उसकी लाइफ है और वो हैंडल कर सकती है। निकोल मार्गो के साथ है और डेविड के तूफानी किस्से सुना रही है। मार्गो कहती है कभी कभी मर्द इसी तरह से प्यार दिखाते हैं। तभी वहाँ डेविड और ग्रुप आ जाता है। निकोल वहाँ से जाने लगती है। डेविड उसके पीछे आता है और उसे माफी मांगता है। डेविड उसकी गर्दन को सहलाता है और डेविड के छूते ही निकोल उसे माफ कर देती है। स्टीव जब घर आता है तो वो लॉरा और निकोल को डेविड के साथ पूल पर मस्ती करते हुए देखता है। स्टीव लॉरा से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लॉरा कहती है कि निकोल डेविड से छुपकर भी मिल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। डेविड स्टीव के सामने निकोल को गलत तरीके से टच और किस करता है। डेविड लॉरा से कहता है कि डेविड के खानदान का कोई पता नहीं है और वो उसकी बेटी को बरगला रहा है। वो डेविड से मिलता है और निकोल से दूर रहने को कहता है। निकोल घर आती है और स्टीव पर चिल्लाती है कि उसने डेविड को मारा है और धमकी दी है। स्टीव कहता है कि उसने डेविड को नहीं मारा, वो झूठ कह रहा है। लेकिन निकोल गुस्से से डेविड के साथ चली जाती है और दोनों रात की तन्हाई का मजा लेते हैं। डेविड निकोल को घर छोड़ते वक्त अपने साथ उसके घर चलने को कहता है, लेकिन निकोल मना कर देती है। डेविड के जाते ही वो कुछ सोचकर अपनी कार से डेविड के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर का माहौल देखती है, जहां मार्गो उस फ्रेंच का दाढ़ी वाले आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। और थोड़ी देर बाद वहां डेविड आता है और मार्गो के बाल खींच कर अपने कंधे पर उठाकर उसे अंदर ले जाता है। ये सब देखकर निकोल वहां से गुस्से से निकल जाती है। सुबह स्टीव उठता है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें निकोल ने स्टीव से माफी मांगी होती है। स्टीव निकोल के पास आता है, लेकिन निकोल बात करने से मना कर देती है। डेविड निकोल से मिलने आता है और निकोल उस पर चिल्लाती है और वहां से जाने को कहती है। गैरी डेविड से निकोल को अकेला छोड़ने को कहता है। मार्गो निकोल के पास आती है। निकोल उसके साथ स्ट्रेंज बिहेव करती है। निकोल कहती है तुम सब मिलकर मेरा बना रहे हो। मार्गो समझ जाती है और कहती है कि डेविड ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन निकोल उसकी बात नहीं सुनती। वहां डेविड को लगता है कि मार्गो ने निकोल से कुछ कहा है। वो उसको फॉलो करके धमकाता है। मार्गो कहती है कि उसे नहीं पता निकोल को कैसे पता चला। डेविड स्टीव के पास आकर अपने अनाथ होने का रोना रोता है, लेकिन स्टीव उसे सीरियसली नहीं लेता और निकोल से दूर रहने को कहता है। कॉलेज के बाद डेविड गैरी के पीछे जाता है और उससे कहता है कि वो उसके बीच आ रहा है। गैरी भागने लगता है। डेविड उसका पीछा करके उसे मार डालता है। वहाँ स्टीव पार्किंग में अपनी कार को तहस नहस हालत में देखता है और डेविड ने उसके लिए एक नोट छोड़ा होता है। स्टीव मार्गो से डेविड के घर का एड्रेस पूछता है और उसके घर जाकर देखता है कि डेविड ने निकोल की फोटो को अपने रूम में लगाया हुआ है और स्टीव की फोटो को क्रॉप करके अपनी फोटो को उसकी फैमिली के साथ मर्ज कर दिया है। और लॉरा के जिस ब्रेसलेट पर डैडीज गर्ल लिखा था उस पर डेविड ने डेविड्स गर्ल लिख दिया है। जब डेविड एंड ग्रुप अपने घर आता है तो उन्हें सब अस्त व्यस्त दिखता है। डेविड अपने ग्रुप के साथ स्टीव के घर जाता है। वहां मार्गो निकोल के घर आती है और बताती है कि गैरी की लाश जंगल में मिली है। स्टीव पुलिस से हेल्प मांगता है, लेकिन उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वहां डेविड और ग्रुप स्टीव के घर धावा बोल देते हैं। स्टीव का घर हाई सिक्योरिटी से लेस है क्योंकि उसे पता था कि एक दिन उसकी बेटी कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। स्टीव सारे घर की लाइट ऑफ करने को कहता है। फ्रेंच कट और टकला आदमी अलग अलग हथियारों से घर के दरवाजे और दीवारें तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविड और उसके ग्रुप के लोग स्टीव के डॉग का सिर काट कर अंदर फेंक देते हैं, लेकिन टकला ड्रिल मशीन लेकर दीवार में छेद कर देता है। लॉरा उसी ड्रिल के साथ टकले के हाथों में छेद कर देती है। एक टॉर्च की रोशनी से निकोल वॉकर के निजी सुरक्षा गार्ड लैरी को एक SOS भेजती है, जो स्थिति का सामना करने के लिए आता है, लेकिन टेरी उसे मार देता है। डेविड फ्रेंच कट और टकला स्टीवन को बंधक बना लेते हैं, जिससे लॉरा को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टॉबी एक खिड़की से भाग जाता है और लॉरा की SUV कार से टकले को कुचल देता है और यही बच्चा पूरी मूवी में एक दिमाग वाला बंदा है। टॉबी लॉरा के कार फोन से पुलिस को फोन करता है। फ्रेंच कट निकोल के साथ जबरदस्ती करता है। मार्गो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देता है। निकोल के साथ रेप करने की कोशिश करता देख डेविड फ्रेंच कट को गोली मार देता है। टॉबी लैरी की चाबियों से अपने पेरेंट्स को छुड़ा लेता है। स्टीवन डेविड की तरफ आता है, लेकिन डेविड उसे नीचे ले जाता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, जब तक कि निकोल डेविड को एक पीस पाइप जो खुद डेविड ने उसे गिफ्ट किया था उसे डेविड को मारती है। स्टीव डेविड को बेडरूम की खिड़की से बाहर फेंक देता है और डेविड मर जाता है। पुलिस और पैरामेडिक्स के आने पर निकोल स्टीवन और परिवार के बाकी सदस्य एक दूसरे को गले लगाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आज की मूवी का नाम था फियर। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। आज के लिए इतना ही, बाय।